फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल है वंदना ब्लॉग्स। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पालक पनीर की रेसिपी। पालक पनीर तो घर में सबको बहुत पसंद होते हैं, तो चलिए मैं बताऊँगी आज बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से कि पालक पनीर कैसे बनाएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 500 ग्राम पालक लिया है, उसे अच्छे तरीके से वॉश करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ पे तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अब 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। अब 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अब हम जो पालक धो कर रखे थे उसे आप कट करके भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं। इसे डालकर अच्छे तरीके से चलाते हुए कुकर का ढक्कन जो है हम लगा देंगे और इसे हम 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है, ये पालक से ऑलरेडी पानी निकलेगा, इसमें पानी ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस हम अच्छे से ध्यान रखें कि इसमें 3 सीटी आने तक हमें इसे पकाना है। देखिए अब यहाँ पे 3 सीटी आ गए हैं। अब हम इसका कुकर का ढक्कन निकाल देंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से टमाटर और पालक जो है वो पक गए हैं। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। मैंने यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर में ये पालक के मिश्रण को जो है निकाल लिया है। इसे हम एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे, स्मूथ बैटर बनाएंगे, जिससे हमारा पालक पनीर जो है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब हम सेम प्रेशर कुकर में 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और 1 बड़ा कटा हुआ प्याज डाल के इसे अच्छे तरीके से ब्राउन होने तक भुनेंगे। हम प्याज को हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे हमारा प्याज जो है वो नीचे लगेगा नहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्याज हमारा जो है भुनकर तैयार हो जाएगा। हमें इसे देखते रहना है कि ये नीचे बस बर्तन में लगे ना। अब देखिए ये प्याज जो है वो हल्का ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच बड़ा धनिया डालेंगे। इसमें हमें खूब सारा धनिया डालना है, धनिया पाउडर डालेंगे जिससे पालक का जो कड़वापन है वो बहुत ही कम आएगा। अब हम इसमें 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और इसमें हम हल्का पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। इसमें हल्का पानी ऐड करके हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने ये पालक का जो बटर है वो पीस के रख लिया है, इसे हम रख देंगे। अब हम अपने मसाले में 1/2 चम्मच चीनी डालेंगे। इसे चीनी डालने से मसाले का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। इसे मसाले को चलाते रहना। देखिए अब हमारा मसाला जो एकदम तैयार है। अब हम इसमें पालक का जो पिसा हुआ मसाला है उसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से चलाते हुए मिलाना है। मैंने यहाँ पे सेम ही बर्तन में पानी डाल के उसे अच्छे से धो लिया है और वही पानी हम इसे अपनी ग्रेवी बनाने के लिए इस मिश्रण में डालेंगे। हमें इस समय गैस का फ्लेम जो है वो लो ही रखना है और इस मिश्रण को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अब मैं इसमें 1 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं, घर की भी दही यूज़ कर सकते हैं या बाहर से भी लाके उसे अच्छे तरीके से फेंट कर यूज़ करेंगे। इसे देखिए हम दही को अच्छे तरीके से मिला लेंगे जिससे हमारा दही जो है वो जाने के बाद फटेगा भी नहीं। अब हम इस मिश्रण में अपने पनीर को ऐड करेंगे। पनीर मैंने यहाँ पे पहले से स्लाइस करके रखा है। इसे अब इस बैटर में पनीर को डालकर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब एट लास्ट इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और हमारा पालक पनीर जो है वो बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी रोटी के साथ या पराठे के साथ या पूरियां हो उसके साथ आप खा सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।